A1 A2 चलेगा सर, A1 A2 को चैलेंज करते हैं आप। आपको नियम मालूम नहीं है, इस सदन का सदस्य होने के नाते नियम जानना जरूरी है। नेता प्रतिपक्ष को सदन का नियम के बारे में पता नहीं है, ये बहुत दुख की बात है। मुझे बता दीजिए सर, कोई दूसरा तरीका हो सर, नाम नहीं लेने हो तो कोई और तरीका दे दीजिए सर। आज सदन के नेता प्रतिपक्ष ने इस गरिमा को गिराया है, ऐसे नहीं चलता है। व्यवस्था का बात करना था, फिर शुरू हो गया। मैं सर, चैलेंज करके आज सदन के नेता प्रतिपक्ष ने इस गरिमा को गिराया है, ऐसे नहीं चलता है। देश नियम से चलता है, सदन नियम से चलता है, संविधान से चलता है, ऐसे नहीं होता है। माननीय प्रतिपक्ष के नेता, आपके सदस्य आपको नहीं बोलने देना चाहते, डिस्टर्बेंस वो कर रहे हैं, बैठ के टिप्पणी कर रहे हैं सर, एक मिनट, वो बैठ कर टिप्पणी कर रहे हैं, कोई सदस्य खड़ा है, यही आपको डिस्टर्बेंस कर रहे हैं सबसे ज्यादा। राहुल गांधी जी प्लीज, आपको नहीं बोलना है प्लीज। राहुल गांधी स्पीकर सर, मैं बात समझता हूँ प्लीज, एक मिनट प्लीज। स्पीकर सर, मैं समझता हूँ मंत्री जी को अदानी जी और अंबानी, सॉरी A1 एंड A2 की रक्षा करनी है, मैं समझता हूँ, नो प्रॉब्लम। वो सर ऊपर से ऑर्डर आया है सर, सर ऊपर से ऑर्डर आया है सर, मैं समझता हूँ, मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूँगा सर। ही इज परमिटेड सर, ही इज परमिटेड टू डिफेंड देम सर, इट इज अ डेमोक्रेसी सर, ही कैन डिफेंड देम, वी अलाउ हिम टू डिफेंड देम सर। ऐसा होता है क्या? A1 एंड A2 सर, आपके सदस्य सर, मान्य आपके सदस्य आज बैठे बैठे बहुत टिप्पणी कर रहे हैं और उठ रहे हैं, सबसे ज्यादा आप उठ रहे हैं, सबसे ज्यादा टिप्पणी आप कर रहे हैं, कोई नियोजित तरीके से आएंगे आप? नो मान्य जी, so we are happy sir, if the minister is protecting A1 and A2 sir, it helps us only sir, no problem, we like it sir, please do it again sir, I give you the space. मैं तो एक व्यवस्था का बात करना था, फिर शुरू हो गया। मैं सर, संसदीय कार्य मंत्री जी, व्यवस्था तय, मैं सिर्फ जो परिस्थिति बने उसमें कहने के लिए मैं खड़ा हुआ, उन्होंने बोला मैं यील्ड नहीं किया, ये नियम होता है। अगर सर, अगर समय हम मांगते हैं तो यील्ड करना, एक वो यील्ड करना no. एक परंपरा है। नो नो नो, देयर नो परंपरा, यू डोंट यील्ड करेंगे, द प्राइम मिनिस्टर डज नॉट यील्ड। मैंने व्यवस्था तय सर, उन्होंने तो व्यवस्था का प्रश्न उठाया। राहुल जी एक मिनट, स्पीकर सर, मैं स्पीकर का परमिशन से खड़ा हुआ, बिल्कुल सही बोला आपने, कहा मैं ये मैंने नहीं कर रहा। किया मैंने, जबरदस्ती नहीं बोला, आप बोल रहे हो, मैं स्पीकर साहब से परमिशन लिया, आप बोल रहे हो, स्पीकर साहब ने मेरा नाम लिया, बोल रहे हो, आपने ये नहीं किया, तभी मुझे लगा कि मुझे कहना चाहिए कि आप प्रधानमंत्री जी को पूरा भाषण तक आपने डिस्टर्ब किया, बोलने नहीं दिया। आज हम आपको यील्ड मांग रहे हैं, 10 सेकंड टाइम आप बोल रहे हैं कि हम यील्ड नहीं करेंगे, ये कौन सा परंपरा है? मैं जबरदस्ती नहीं बोल रहा हूँ, मैं तो नियम के तहत बोल रहा हूँ और स्पीकर का परमिशन से खड़ा हुआ हूँ। ये एक परंपरा होता है, एक दूसरे का इज्जत देना होता है।